तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज के नए व्लॉग में। आज है 29 अगस्त और दिन है रविवार। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हफ्ते के हर रविवार को आपको कहानी सुनने को मिलेगी, और ये जो कहानी होगी वो पूरी तरीके से मेरी आवाज़ में होगी। तो बने रहिए और एंजॉय करिए कहानी को। आज तकरीबन आज से 50-60 साल पहले की है, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गाँव हुआ करता था। उस छोटे से गाँव में बहुत भारी अकाल पड़ गया। अकाल कुछ ऐसा था कि वहाँ के लोगों के पास पानी पीने तक को कुछ खाने तक को था ही नहीं। लोग तड़प रहे थे, तरस रहे थे। लाचारी गरीबी बहुत तेजी से फैल रही थी उस गांव में। ऐसा लग रहा था कि वो दिन दूर नहीं है कि इस गांव से सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसी दौरान उस गांव में कुछ ऐसा बीता जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस गांव के इर्द गिर्द से ही गुजर रहा था एक बहुत ही विख्यात ब्राह्मण। वो ब्राह्मण बहुत ही ज्यादा तेजस्वी था। वो ब्राह्मण इतना ज्यादा विद्वान था कि उसे बहुत ज्यादा पुराणों की ज्ञान थी। वो ब्राह्मण जब उस गांव से गुजर रहा था तो न जाने क्यों उसे बहुत जोर से भूख लगी, बहुत जोर की। उसे लगा कि अब मुझे किसी से कुछ मांग लेना चाहिए खाने को, वरना मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगा। दरअसलार्थ वो चार धाम की यात्रा पर निकले थे, और ऐसे शुभ कामों के लिए अगर कोई भी निकलता है तो ऐसे लोगों की मदद कोई भी आसानी से कर देता है। पहले दरवाजे पे पहुंचता है, दरवाजा खटखटाता है और कहता है, भाई कुछ खाने को मिलेगा? और अंदर से एक औरत आती है और कहती है, माफ करना ब्राह्मण देवता, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तब वो ब्राह्मण कहता है कि कुछ पीने के लिए ही दे दो, क्योंकि प्यास भी बहुत जोर से लगी है। तब वो औरत कहती है कि माफ करना बाबा, हमारे पास पीने तक के लिए भी कुछ नहीं है, और ऐसा कहकर दरवाजा बंद कर देती है। ऐसा करना ब्राह्मण को थोड़ा बुरा लगता है, मगर वह सोचता है कि जाने दो, लोगों के ऐसे ऐसे व्यवहार होते हैं, क्यों झूठ मूठ का किसी के लिए मन में द्वेष पालना। वह ब्राह्मण दूसरे दरवाजे जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, तब वहां से एक बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलता है जो कि उसी ब्राह्मण के उम्र का था। इस बार वो भी खाना और पानी के लिए मना कर देता है। ब्राह्मण और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। ऐसा करते करते लगभग वो 6-7 घर के दरवाजों को खटखटाते हैं और वहां से खाना पानी मांगते हैं, मगर कोई भी उन्हें खाना पानी नहीं देता है। तब उस ब्राह्मण को लगता है कि इस गांव में पक्का कोई बहुत बड़ा संकट चल रहा है, इसे तो समझना पड़ेगा। और लगे हाथ अगर मैं किसी की भलाई ही कर दूं तो ऊपर वाला मुझे बहुत आशीर्वाद देगा। तो इसी सोच के साथ वो ब्राह्मण उस गांव का भ्रमण करने लग जाता है, और भ्रमण करते करते ही उस गांव का एक छोटा सा बच्चा उस ब्राह्मण को मिलता है जो कि लगभग 15-16 साल का होगा। उस लड़के से ब्राह्मण यह कहते हैं कि क्या तुम मुझे उस गांव के सरपंच के पास ले चल सकते हो? वो लड़का कहता है, बिल्कुल मैं आपको ले चलता हूँ। तो ब्राह्मण लड़के के साथ साथ सरपंच के घर तक पहुँच ही जाता है, और ब्राह्मण देवता उस सरपंच को उसके घर से बाहर बुलाते हैं और कहते हैं, देख बच्चा, मुझे बहुत अच्छे से पता है तेरे गाँव में बहुत बड़ा संकट चल रहा है, कोई भी मुझे बताने को तैयार नहीं है, और जो मुझे देख रहा है वो दरवाज़ा बंद कर दे रहा है, तो अब तू ही मुझे बता दे। तब वो सरपंच बताता है कि हे देवता, आपको जो भी देखता है दरवाज़ा इसलिए बंद कर लेता है क्योंकि उन्हें बेइज्जती महसूस हो रही है कि वो आपके जैसे बड़े ब्राह्मण को खाना और पानी नहीं दे पा रहे हैं। उसी वक्त ब्राह्मण देवता कहते हैं कि क्यों नहीं दे पा रहे हैं तो ये भी बता दे मुझे। तब सामने से सरपंच कहता है कि इस गांव में अकाल की स्थिति आ चुकी है,
इन सभी लोगों के घर में खाना पानी नहीं है, इनके बच्चे भी भूख प्यास से मरे जा रहे हैं और तड़पे जा रहे हैं। और इन सब का कारण है एक बहुत ही खतरनाक डायन का भूत। ये सुनकर ब्राह्मण देवता बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बोलते हैं, तू मुझे पूरी बात बता कि बात क्या है। तब जाके सरपंच बताता है कि आज से ठीक 12 साल पहले इस गांव से आधे किलोमीटर दूर पर ही एक जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी हुआ करती थी। उस झोपड़ी में अचानक से एक औरत रहने लग गई। उस औरत के हाव भाव बहुत ज़्यादा अजीब थे। वो औरत जानवरों को मार के उनका कच्चा मांस खाया करती थी और गांव के बच्चों को अगवा करके उनके ऊपर जादू टोना करती थी। और इन सारे बात की खबर एक लकड़हारे को मिली थी, क्योंकि वो लकड़हारे के भी बच्चे को उठा के लेके गई थी। और जैसे ही वो लकड़हारे के बच्चे को अगवा करके अपने घर पर लेके ही जा रही थी, उसी वक्त लकड़हारे ने देख लिया था और पीछा करते करते उस डायन के घर तक पहुंच गया था, क्योंकि उस बच्चे की जान दांव पर थी। और वो लकड़हारा ये समझना चाह रहा था कि ये औरत करती क्या है। वो औरत जोर से दरवाज़ा बंद करती है, लेकिन लकड़हारा भी बहुत चालाक था, दरवाजे के नीचे वाले हिस्से से देखता था। वो औरत उस लड़के को बिठाती है और उस पर कुछ जादू टोना करने लगती है, बहुत अजीब अजीब सी प्रक्रिया करने लग जाती है। और तलवार उठा के उस बच्चे की बलि देने ही वाली थी कि लकड़हारा तेजी से दरवाज़ा तोड़ते हुए उस औरत के घर के अंदर घुस गया। वो औरत बिल्कुल हक्की बक्की हो गई, बहुत ज़्यादा घबरा गई, उस औरत के बाल पकड़ा और उसे घसीट कर बाहर निकाला और चिल्ला चिल्ला कर पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा कर लिया था। गांव के लोग वहां पर जुटने लग गए थे। उस औरत को खींचते हुए एक बरगद के पेड़ के पास ले गए, उस बरगद के पेड़ से उस औरत को बांधे और उसके आंखों के सामने उसके घर को जला दिए और उसके बाद उस औरत को जिंदा जला दिया। उस औरत ने जलते जलते एक श्राप दिया कि मैं एक डायन हूँ और डायन का श्राप कभी खाली नहीं जाएगा। आज से ठीक 12 साल बाद मेरे ही श्राप के वजह से तुम्हारा पूरा गांव खत्म हो जाएगा। बच्चे और बूढ़े भूख प्यास से तड़प तड़प कर सब मर जाएंगे। और ऐसा कहते कहते वो मर गई। और अब वो 12 साल पूरे होने वाले हैं और वो श्राप अब पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। हम लोग बहुत लाचार हैं, हम सभी लोग ये गांव छोड़ के जा भी नहीं सकते, क्योंकि पूरा परिवार और सब कुछ हमारा यहीं पर है। और परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि अब हमने मौत को स्वीकार कर लिया है। धीरे धीरे करके सब कुछ खत्म हो जाएगा। ब्राह्मण देवता आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप भी यहाँ से लौट जाइए, यहाँ का आप भी खाना और पानी मत पीजिए खाइए, वरना कहीं ये श्राप आपके ऊपर भी ना लग जाए। ब्राह्मण देवता मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा मैं ठीक कर दूंगा ये सब कुछ, लेकिन मुझे उसके पहले एक गिलास पानी तो दे दे। सरपंच अंदर जाता है और बड़े घबराते हुए एक गिलास जल लाता है और ये सोचते हुए कि कहीं हमारे कारण ब्राह्मण देवता का कुछ बिगड़ ना जाए। किसी प्यासे को अपने घर से अपने द्वार से लौटाते नहीं, ये बात सरपंच को पता थी। सरपंच एक गिलास पानी उन ब्राह्मण देवता को दे देता है। हालांकि उस सरपंच के घर में भी पीने लायक बहुत ही कम पानी बचा हुआ था। ब्राह्मण देवता आंख बंद करके जैसे ही वो पानी पीते हैं और आंख खोलते हैं, तो मानो जैसे आंख बंद करते ही और पानी पीते ही उन्हें सब कुछ समझ में आ गया था। ग्लास हाथ में सरपंच के पकड़ाते हुए कहते हैं, यहाँ से 500 मीटर दूरी पर एक पूर्व दिशा में पीपल का पेड़ है, उस पीपल के पेड़ के पास जाना है और उस पीपल के पेड़ की डाल तोड़नी है और उस बरगद के पेड़ को सटा के
उसी के नीचे रख देना है जिस बरगद के पेड़ के नीचे तुमने उस डायन को जलाया था। लेकिन एक बात तुमको बहुत अच्छे से याद रखना है, उस पीपल के पेड़ पर लगभग 200 पिसाचों की आत्माएं वास करती है और उसी के साथ साथ एक ब्रह्म दैत्य भी उसी पीपल के पेड़ पर वास करता है। तो ऐसी स्थिति में तुम्हें उस पीपल के पेड़ के डाल को तोड़ने के लिए एक ऐसे इंसान को भेजना पड़ेगा जो इंसान भूत और प्रेतों से बिल्कुल भी ना डरता हो और बड़ी ही आसानी से बिना डरे उस डाल को तोड़कर बहुत आसानी से लेकर चला आए, क्योंकि कोई भी आम इंसान वहाँ पे जाएगा तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है डर के मारे। ऐसा कहते कहते ब्राह्मण देवता आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अब सरपंच अगले ही दिन बहुत उत्तेजित होके सभा बैठाता है गांव में और सारी बात गांव वालों से बताता है और वहां से पूछता है कि कौन है ऐसा जो उस पेड़ की डाल को तोड़कर यहाँ पर लेकर आएगा। गांव में से कोई भी हाथ नहीं उठाता क्योंकि लोगों की मौत और जिंदगी का सवाल था और खुद सरपंच को बहुत ज्यादा फिक्र थी क्योंकि सरपंच का स्वयं खुद भी एक परिवार था। ठीक उसी परिवार की तरह गांव में ऐसे ही बहुत से परिवार हुआ करते थे और दिन प्रतिदिन मृत्यु लोगों की लगातार हो रही थी और उसी बीच 12 साल पूरे होने वाले भी थे। उस डायन का श्राप सर चढ़कर बोलने ही वाला था कि सरपंच अपने ही परिवार को बचाने के लिए और पूरे गांव और उनके परिवारों को बचाने के लिए कह देता है जो भी उस पीपल की डाल को तोड़ के मेरे पास लेके आएगा मैं उसकी शादी अपनी बेटी से करवा दूंगा। सरपंच की बेटी बहुत खूबसूरत थी, शहर से पढ़ाई कर लौटी ही थी। बेटी भी तैयार हो जाती है, उसको लगता है कि अगर मेरे ऐसे करने से गांव की भलाई होती है तो मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है, मैं तैयार हूँ। और जैसे ही ये बात गांव का एक आदमी सुनता है तो तुरंत वह अपना हाथ ऊपर कर देता है। अब सब लोग इसलिए बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो व्यक्ति जो था वो मांगलिक था। उसके मांगलिक होने की खबर पूरे गांव में थी क्योंकि गांव में छोटी छोटी बातें बहुत अच्छे से सब लोगों को पता रहती हैं। और इस तरफ सरपंच भी चिंतित होना शुरू हो गया कि एक मांगलिक ने हाथ उठा दिया और सरपंच की बेटी भी चिंतित होने लगी। मगर जैसा कि वादा किया था सरपंच ने कि अपनी बेटी की शादी करा दूंगा तो वादा तो निभाना ही पड़ेगा और साथ में ही गांव वालों की जिंदगी का सवाल भी था, तो ऐसा देख के सरपंच भी उसे हाँ कर देता है। रात के 12 बजे उस पेड़ की डाल तोड़ने के लिए कहा गया था। रात के 12 बजते हैं, चारों तरफ घना अंधेरा रहता है, जंगलों से अजीब अजीब जानवरों की आवाज आती है और वो शख्स लालटेन लेके जंगल की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। जैसे ही वह व्यक्ति जंगल के करीब पहुंचता है तो उसे ऐसा एहसास होता है कि उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। जब वो लालटेन लेके पीछे पलटता है तो पीछे की तरफ कोई नहीं रहता, फिर वो व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही वो 10 मीटर आगे बढ़ता ही है उस व्यक्ति को ऐसा एहसास होता है कि उसके आसपास बहुत जोर जोर से कोई हंस रहा है। वो इन सारी बातों को अपने ध्यान से हटा के और आगे बढ़ता जाता है। अब उसे हंसने के साथ साथ रोने की भी आवाज साथ में सुनाई देने लगती है। वो व्यक्ति और आगे बढ़ता है, उसे हंसने चलने रोने के बाद अब उसे चीखने चिल्लाने तक की भी आवाज सुनाई देने लग जाती है। जैसे जैसे वो व्यक्ति आगे बढ़ता है वो सारी आवाजें उसके और नजदीक आने लग जाती है। उस व्यक्ति को ऐसा लगता ही है कि उसकी जान जाने ही वाली है कि अचानक से ही उस पीपल के पेड़ के पास जैसे ही पहुंचने के बाद
वो व्यक्ति पीपल के पेड़ को हाथ लगाता है तो जैसे 100-200 लोग एक साथ किसी व्यक्ति के कान में चिल्लाएं, जैसा महसूस होता है वैसा ही उस वक्त उस व्यक्ति को महसूस हो रहा था। वो अपने हाथ से लालटेन छोड़कर अपने कान को जोर से दबाने लगता है। कान दबाते ही वो ज़मीन पे गिर के बेहोश होने ही वाला था कि पेड़ के बगल से उसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। उसी अलौकिक रोशनी के पीछे से निकलता है एक बूढ़ा सा आदमी, इतना ज़्यादा बूढ़ा कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इसकी उम्र 200 से 250 साल के बीच में होगी, और उस व्यक्ति जैसा नूर उस व्यक्ति ने कभी नहीं देखा था। उस बूढ़े आदमी ने चटक सफेद कलर की धोती पहनी हुई थी, पैरों में खड़ाऊं और बालों में उस व्यक्ति के जटा बंधी हुई थी, और बाल एकदम काले। इतना बूढ़ा आदमी और बाल एकदम काले, और उसके मस्तक पे वैष्णव टीका लगा हुआ था जैसे पुराने जमाने के साधु संत लगाया करते थे। वो उस व्यक्ति की तरफ आगे बढ़ता है और उस व्यक्ति का हाथ पकड़ के उसे ऊपर की तरफ उठाता है, और वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, घबराओ मत, मैं ब्रह्म हूं। और जैसे ही ये आवाज बूढ़ा व्यक्ति सुनता है, ऊपर से नीचे कांप उठता है। उस व्यक्ति को लगता है कहीं ये भगवान ब्रह्मा तो नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति ने कहा था कि मैं ब्रह्म हूं। तब वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, मैं ब्रह्म देव ने ब्रह्म देते हो, और जितने भी पिशाच यहाँ पर रहते हैं वो मेरे छत्र छाया में रहते हैं, और अगर इन पिशाचों के घर को किसी ने भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो जीवित वापस नहीं सकता। ये मेरा वादा है जो यहाँ पे घर उजड़ने आया हो। और डरा हुआ सहमा हुआ जवाब में वो व्यक्ति सब कुछ उगल देता है। ये सारी चीजें सुनकर ब्रह्म दैत्य भी उसकी बहादुरी पर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि चलो कुछ भी हो, मगर तू एक तरीके से किसी आत्मा को मुक्ति दिलाने की कोशिश कर रहा है। और ब्रह्म दैत्य एक इशारा करते हैं, और उनके इशारा करते ही पेड़ पर से एक डाल नीचे की तरफ गिर जाती है, और उस व्यक्ति से कहते हैं कि इस डाल को लेकर जा और भगवान के सामने हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना करना कि उसकी आत्मा को शांति मिले। ऐसा ही सोच कर उस बरगद के पेड़ से तू इस डाल को स्पर्श करा देना, तो जैसा कि उस ब्राह्मण देवता ने कहा था उसी हिसाब से सब कुछ ठीक हो जाएगा, और तेरा जो गांव है वो फिर से हरा भरा होने लग जाएगा। और वो व्यक्ति उस डाल को उठाकर अपने गांव की तरफ आता है और उस ब्रह्म दैत्य के बताए हुए तरीके से प्रार्थना करने लग जाता है और अपने घर को लौट जाता है, और धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक होने लगता है।